हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बॉलीवुड क्रेज। आज के एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की मच वेटेड अपकमिंग मूवी बड़े मियां छोटे मियां को लेकर। फ्रेंड्स, टाइम पूरी इंडस्ट्री बड़े मियां छोटे मियां का वेट कर रही है, क्योंकि जो उम्मीद उसके फर्स्ट टीजर से हम सबको लग चुकी है वो यही है कि अब जो ईद पे सलमान खान का एक होता है कि वो बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस बढ़िया लाते हैं, लोगों की भीड़ लगाते हैं थिएटर के बाहर, अब वो सारी जिम्मेदारी बड़े मियां छोटे मियां के मेकर्स और एक्टर्स पे आ चुकी है। तो फ्रेंड, ऐसे में डिस्कस करते हैं कि बड़े मियां छोटे मियां का डे वन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इंडिया नेट कितना हो सकता है। लेकिन उससे पहले हर बार की तरह आपसे भी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर दें। फ्रेंड, बड़े मियाँ छोटे मियाँ आ रही है ईद के मौके पे, तो ये ईद का जो डे है वो 10th of April या 11th of April होगा। मोस्ट प्रोबेबली वेनसडे या थर्सडे वाला दिन आएगा, यानी इसे बढ़िया रिलीज टाइम मिलेगा। लास्ट टाइम आपको याद है किसी का भाई किसी की जान, वो फ्राइडे को रिलीज हो गई थी जबकि ईद कब थी, सैटरडे को। यही कारण है कि डे वन पर बिल्कुल कलेक्शन ही नहीं आया था। तो फ्रेंड, ऐसे में चलते बड़े मियाँ छोटे मियाँ की अभी तक जो ग्राउंड लेवल बज है, जो बुक माई शो पे उसका इंटरेस्ट रेट बढ़ है, जो उसके फर्स्ट टीजर को रिस्पांस मिला है या जो उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी अभी से जा रही है, मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ का डे वन इस टाइम एटलीस्ट 25 से 30 करोड़ आने की कैपेसिटी है। अभी टू अर्ली टू प्रिडिक्ट है, लेकिन अभी अगर आप विंडो पकड़ के चलें तो 25 से 30 करोड़ की विंडो मैं दूंगा बड़े मियाँ छोटे मियाँ की डे वन कलेक्शन को। जैसे जैसे इसका ट्रेलर आएगा, इसके सॉन्ग्स आएंगे या मूवी का टाइम रिलीज टाइम करीब आएगा तो हमें क्लियर पिक्चर मिल सकेगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा जो प्रिडिक्शन है ये जल्दी से जल्दी 35 से 40 करोड़ की तरफ जाए, ताकि अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ एक ब्लॉकबस्टर मूवी दे दें जिसकी बॉलीवुड को इस वक्त सख्त जरूरत है। फ्रेंड, इस टाइम बड़े मियाँ छोटे मियाँ के हक में सारी चीज़ें जा रही हैं, बहुत बढ़िया टीजर को रिस्पांस मिला है, बढ़िया मार्केटिंग की जा रही है, रिलीज टाइम बढ़िया है, कोई इतने खास बड़े क्लैशेस नहीं है उसके साथ, रिलीज कोई मूवी खास नहीं हो रही उस मूवी के बाद, एक सिर्फ मैदान के साथ क्लैश है, बाकी पूरा मंथ मिलेगा इन्हें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इंजॉय करने के लिए। सिर्फ इस मूवी का कंटेंट क्लिक कर जाए तो मोस्ट प्रोबेबली ये अक्षय कुमार की फर्स्ट मूवी होगी जो कि इंडिया नेट 300 करोड़ क्लब में जा सकती है। क्या कहना है आपको इसके बारे में, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।